हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट वीडियो लेकर। थोड़ा सा लेट हो गया, दो दिन का गैप है, आपके डॉट वीडियो वेट कर रहे थे। तो चलिए, आपके द्वारा दिए हुए सवाल का एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ सॉल्यूशन लेकर। और देखिए, पहला सवाल जो आपके सामने आया है, एक छोटा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। करेक्ट, पिरामिड है जिसका जो बेस है ना वो सम बहुभुज है। इसका मतलब पॉलीगोन है, रेगुलर पॉलीगोन है, मतलब कुछ भी हो सकता है, पांच भुजा का, छह भुजा का, एक भुजा का, दो भुजा का। अब कहेंगे सर एक भुजा दो भुजा क्यों, अरे बोल दिया भैया, एक भुजा दो भुजा होता नहीं, तीन भुजा का हो सकता है या चार भुजा का हो सकता है, लेकिन एक बात है वो पॉलीगोन है, मतलब ये नहीं हो सकता है। क्या होगा, स्क्वायर हो सकता है, चारों भुजा बराबर, चारों कोण बराबर, या फिर पेंटागोन हो सकता है। तो आपका ये जो सवाल कह रहा है, आगे कह रहा है जिसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका मतलब आप देखिए, अगर पिरामिड होगा, मान लीजिए इसी पे पिरामिड बनाएंगे तो इस टाइप की चीजें सेंटर में ले लिया, यहां से ऐसे मिलाएंगे, यहां से इस तरह से मिलाएंगे, यहां से इस तरह से मिलाएंगे। तो ये जो पिरामिड है, यहां अगर इसकी बात करो, मान लीजिए स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, आपको बेस में दिखा रहा हूं, इस तरह से हाइट होगा, तो यहां से इसको मिलाएंगे ऐसे। अब देख लीजिए इसको कैसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये पिरामिड बनेगा। आपको सवाल कर रहा है कि पिरामिड का जो पूरा क्षेत्रफल है, पूरा जो क्षेत्रफल है बेस का प्लस साइड का, वो 340 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोल रहा आधार जो है, जिसका बेस जो है, बेस का क्षेत्रफल 100 है, और आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कितने साइड का वो पिरामिड का जो बेस है वो, नहीं पिरामिड का बेस नहीं पूछ रहा, आपसे बोल रहा है सतह कितना है, अगर आधार का क्षेत्रफल प्रत्येक पार्ट सतह का क्षेत्रफल 30, बोल रहा है कि इसका जो आपका सतह है, मतलब ये जो लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस की बात कर रहा है, ये कितना है इसमें, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे वो पूछ रहा है कितना साइड का ये बेस का जो है पॉलीगोन है, वो कितने साइड का पॉलीगोन है जो बेस इसका पॉलीगोन है। तो आप मुझे बताइए कि पूरा क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल जो लेटरल सरफेस का एरिया का क्षेत्रफल है प्लस बेस का क्षेत्रफल 340, अगर इसमें बेस का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, लेटरल सरफेस का क्षेत्रफल आएगा, जितना भी साइड है उस सारे साइड का क्षेत्रफल का योग कितना आ गया, 240। और आपको कह रहा है एक जो लेटरल सरफेस है, एक साइड का जो किनारा फेस है, उसका क्षेत्रफल 30 है। तो आप बताइए कि कितना साइड वैसा फेस होगा। तो आप बताइए कि अगर एक 30 है तो 240 होने के लिए कितना फेस चाहिए, 8 फेस चाहिए, मतलब 8 लेटरल फेस चाहिए, लेटरल सरफेस चाहिए, 8 लेटरल सरफेस चाहिए। इसका मतलब वो ऑक्टागन था, इसका मतलब क्या था, ऑक्टागन था। सवाल आपसे भी पूछ रहा सकता था कि वो जो बेस है वो क्या है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, कुछ ऑप्शन दे देता आपसे, वही पूछ सकता था। इसने पूछा कितना फेस है या फिर कितना साइड है, दोनों का एक जवाब होगा, क्या होगा, 8 होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पहले भी कराया हूँ, बहुत बार कराया हूँ, शायद 2-3 बार तो डॉट में कराया हूँ, लेकिन आज जो कराऊंगा एकदम बेसिक से कराऊंगा आपको, एकदम बेसिक से। कहना तीन आदमी एबीसी मिलकर किसी काम को ए से 6 घंटे कम, तीन आदमी एबीसी मिलकर ए से तुलना किया, ए से 6 घंटा कम समय लेता है, मतलब अगर ये एक्स ले रहा होगा तो ये एक्स प्लस 6 ले रहा होगा, ये तीनों मिलकर इससे कम समय ले रहा हो तो ये 6 घंटा ज्यादा समय लेगा। वैसे भी अब कॉमन से देखिए, तीन को लोग मिलेंगे जिसमें एक आदमी एक खुद है, तो अगर एक खुद जितना समय लेगा उससे तो कम ही समय लेगा, यहाँ पे मतलब प्लस 6 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। बी से तुलना में कह रहा है कि जितना समय तीनों ले रहा है, बी उससे 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, इनडायरेक्टली ही कर रहा ना, कह रहा है कि बी से ये लोग 1 घंटा कम ले रहे हैं तीनों मिलकर, मतलब बी कितना ले रहा होगा, ये लोग से 1 घंटा ज्यादा ले रहा होगा। और सी के बारे में कह रहा है, सी आधे समय में पूरा काम कर लेता है, मतलब नहीं, सी से आधे घंटे, मतलब जितना समय लेता है सी अकेले काम करने में, उसके आधे घंटे में ये कर लेता है, मतलब इसका दुगना समय सी लेगा, इसका दुगना समय लेगा सी, सी कितना ले रहा है, दुगना समय लेगा। उल्टा बात कर, हम इसको एक्स मान लिया, इसको एक्स मानते, इसको एक्स मानते, इसको एक्स मानते, किसी को मानते तो एक और रिलेशन आता, लेकिन फाइनली वो रिलेशन कुछ इसी तरह होता। अब देखिए, आप मुझे बताइए, सी अगर 2x समय ले रहा है, देखिएगा ये जो सी है ये 2x समय ले रहा है और तीनों मिलके x समय ले रहा है, तो a प्लस b कितना समय लेगा, आप याद कीजिए कितना लेगा, 2x समय लेगा कि नहीं लेगा, ये बात समझ में आ गई आपको। इसको एक जोड़ा मान लीजिए, एक जो ए प्लस बी, इसको एक मान लीजिए, तो दो आदमी मिलकर कितना समय ले रहा है, एक समय ले रहा है, उसमें से एक आदमी 2x ले रहा है, तो अगला भी क्या लेगा, 2x लेगा। आप हमेशा इसको याद रखिएगा, दो आदमी मिलकर किसी काम को जितने समय में करता है, अगर दोनों जो बचा हुआ जो उसमें दोनों अलग अलग आदमी है, उन दोनों को अगर एक बराबर कर लिया जाए, अलग अलग एफिशिएंसी वाले को बराबर एफिशिएंसी दे दी जाए, तो दोनों उसका डबल डबल समय लेगा, ठीक है।
अब ये बातें आपको यहां तक क्लियर हो गई कि ये 2x समय लगा। अब सवाल क्या बना कि a प्लस बी 2x समय में काम करता है, a x प्लस 6 और b x प्लस 1। आप इसको एलसीएम मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं नहीं तो सिंपल मेथड। ये एक घंटे में कितना काम करेगा, 1 बटा x प्लस c, या फिर a की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 बटा x प्लस c, b की एफिशिएंसी x प्लस 1। दोनों मिलकर जब काम करता है, कोई भी लोग काम करते मिलकर तो एफिशिएंसी जुटती है और दोनों की एफिशिएंसी कंबाइंड कितने हो जाएगी, 1 बटा 2x, क्योंकि दोनों मिलकर 2x दिन में काम कर रहा है। आपसे यही पूछ रहा है कि ये आगे जाकर पूछ रहा है कि आप बताइए कि ये अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, x प्लस 6 की वैल्यू पूछ रहे हैं। आप इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। आप सोच रहे हैं सर इक्वेशन बिना सोल्व नहीं होगा। आप देखिए इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला याद होगा आपको, अगर a प्लस बी अगर x दिन में करता है, a अगर x प्लस a दिन में करता है, b x प्लस b दिन में करता है, तो क्या फॉर्मूला होता है x का वैल्यू ab। अगर ये भी फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आपको यही क्वेश्चन आने वाला है, डायरेक्ट बनाएंगे तो भी आपको यही क्वेश्चन आने वाला है। तो आप सोल्व कीजिए इसको, ऊपर एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 2x प्लस 7 और ये गुना हो जाएगा, अच्छा विभाजन दीजिए, x स्क्वायर प्लस कितना आ गया 7x प्लस 6 और इधर 1 बटा 2x। अब इसको इधर ले जाकर गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, यहां लिख रहा हूं देखिए 4x स्क्वायर प्लस 14x और इधर कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब इसको इधर लेकर आइए तो कितना आ गया 3x स्क्वायर, इसको इधर लेकर आइए प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए 6 और 3 का गुणनफल कितना होता है 18, 7 के अंतर पे तोड़ना है तो 9 और 2 टूटेगा, इसमें से माइनस में कौन जाएगा 2, जो माइनस में जाएगा हमें उसी से मतलब होता है सिर्फ x की वैल्यू निकालने के लिए। तो x कितना आ गया माइनस 2 ले लिया और इससे डिवाइड कर देंगे, इसको फिर साइन चेंज कर देंगे तो हमारा x की वैल्यू 2/3 हो गया, मतलब x कितना दिन लेगा 2/3x की वैल्यू आ गई। तो आप बताइए 1 कितना दिन लेगा, तो इसमें आप 6 जोड़ दीजिए क्योंकि x प्लस 6 आपसे पूछ रहा था, तो 6 × 2/3 दिन। क्लियर है, एक सवाल देखिए और मेरे सामने आ रहा है, ये सवाल देखिए ज्योमेट्री का सवाल है, लगातार 3 सवाल अभी ज्योमेट्री के आ रहे हैं आपके सामने। करें एक स्पर्श रेखा PQ का मध्य बिंदु O केंद्र वाले वृत्त को R पर स्पर्श करता है, मतलब ये O केंद्र वाले बिंदु हैं, इसका बिंदु क्या है पॉइंट, इस केंद्र क्या है O, और बोल रहा है एक PQ जो है स्पर्श रेखा टेंजेंट है इसको R पर टच करता है इस सर्कल को जिसका केंद्र क्या है O है। आपसे बोल रहा है PQ बराबर 16 सेंटीमीटर, PQ बराबर 16 सेंटीमीटर और OP बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आपका 10 बोल रहा है और ये पूरा 16 बोल रहा है, यहां से आप मिला दीजिए और साथ में एक बात ध्यान दीजिए, बोल रहा है एक स्पर्श रेखा PQ का मध्य बिंदु, मतलब ये और ये दोनों बराबर आपका दिया हुआ, अगर पूरा 18 है पूरा 16 तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये 8 हो गया तो ये 10 दिया हुआ आपका, ओपी कितना दिया हुआ 10। और बोल रहा है कि जीवा एबी की दूरी वृत्त की त्रिज्या का 50% है, तो जीवा एबी की लंबाई, जीवा एबी कहीं भी आप ले लीजिए, मैंने यहां ले लिया जीवा एबी, जो कोड है एबी कहां कहीं भी आप ले सकते हैं, कोई भी कोड की बात कर रहा। अब आप बताइए मुझे कि आप यहां से रेडियस नहीं निकालेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप ऐसे भी देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम तो 4 है ये 5 है तो 3/2 हो जाएगा 6 हो जाएगा। और आप बताइए कि ये बोल रहा है कि इसका जो केंद्र से दूरी है इसकी कोड की वो कितना है, इसका 50% है, मतलब 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये आपका क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस, आप इसकी आधा नहीं निकाल लेंगे, आपको पता है ए बी को बराबर बराबर दो भागों में बांटता है जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से कोड पे वो, तो इसका कितना 36 माइनस 9 का रूट हो जाएगा कितना गया 3√3 27 में 3√3 और ये पूरा ए बी 3√3 ए बी 3√3 तो आपका ए बी कितना आ गया इसका डबल आ गया 6√3 सेंटीमीटर, आपका सेंटीमीटर मिनट दिया हुआ है देख लीजिए। क्लियर है, एक सवाल बड़ा अच्छा सा सवाल है ये, इस सवाल को आप देखिए, सवाल का नीचे दिए गए चित्र में छोटे वृत्त की त्रिज्या 2√3 है, ये सवाल सिर्फ आप एक बार ट्राई करते तो आपसे बन जाता, हो सकता है आपने ट्राई किया हो, मैंने ये बोल रहा हूं कि आप ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको परेशान कर दे। इस तरह से एक डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने होगा, मेरे सामने भी है, ये बोल रहा है ओ है, ये बोल रहा है ए बी एक कोड है बाहर वाले के लिए, सी डी एक कोड है अंदर वाले के लिए और यहां से परपेंडिकुलर डाला है तो यही है। कह रहा है छोटे वृत्त की त्रिज्या 2√3 है, इसका बोल रहा है 2√3 है, आपका छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, ए सी बराबर बी डी है, ए सी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है और ये दोनों की वैल्यू दे रखा है कितना है, ए सी और बी डी की वैल्यू कितना दे रखा है 10√2। ओ सी ई, ओ सी ई ये एंगल पे बात कर रहा है, ये एंगल मैंने थीटा बोला,
तो आपको बोलना है थीटा की जो वैल्यू है साइन इनवर्स, आपको शायद ये चीजें परेशान की होगी, ये दिया हुआ है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बतानी है, आप इसी से परेशान हुए होंगे शायद, क्योंकि साइन इनवर्स आप लोग को परेशान थोड़ा सा करने लायक है चीजें, लेकिन आप परेशान नहीं हुए। जब भी इस तरह की चीजें हो थीटा बराबर साइन इनवर्स, तो आपको इसको इधर लेके चलाना है, तो ये आ जाता है साइन थीटा और ये हो जाता है रूट टू बाई रूट थ्री। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद देखिए इसमें अगर साइन थीटा आप निकालेंगे, इसमें साइन थीटा लगाएंगे तो आपको दिस बटा दिस लगेगा, क्या हो जाएगा, इसमें निकालेंगे तो दिस और ये ट्रायंगल देख लीजिए 90 डिग्री है, होगा 90 डिग्री। तो आप मुझे बताइए साइन थीटा अगर आप इसमें लगाएंगे तो साइन थीटा क्या बोलेंगे, तो कहेंगे आप OE बटा CO, CO डायरेक्टली लिख दो रूट टू रूट थ्री। अब साइन थीटा कितना दिया हुआ, रूट टू बाई रूट थ्री, रूट टू बाई रूट थ्री, और ये निकल कर आ गया आपका टू रूट थ्री। आप बताइए रूट थ्री से रूट थ्री कटा टू इधर गुना हो गया, OE की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर टू रूट टू, OE की वैल्यू आ गई टू रूट टू। आप मुझे बताइए कि इस ट्रायंगल में टू रूट टू ये है, आपका ये कितना है टू रूट थ्री है, ध्यान से देखिएगा, ये टू रूट टू है, ये टू रूट थ्री है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे आप, तो आप क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 12, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 8, 12 माइनस 8 कितना होता है 4, और इसका रूट 2, तो आपको ये पता चल गया ये 2 है, ये है आपका 10 माइनस रूट 2, ये पूरा अगर जोड़ देंगे दोनों को AC और AE को, तो आपका कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए सिर्फ रूट 10 आ गया, मतलब ये आपका रूट 10 है। अब बात सिर्फ इतनी रह गई कि ट्रायंगल ऐसा है, ये आपका बड़ा रेडियस हो गया R, ये आपका रूट 10 दिया हुआ है, और ये आपका आ गया 2 रूट 2 मतलब रूट 8, तो आप इसकी वैल्यू नहीं बता देंगे कितनी आ जाएगी, निकालिए एक बार, 10 प्लस 8 18 का रूट कितना आ जाता है 3 रूट, आपसे यही सवाल पूछ रहा था, क्लियर है, बढ़िया आगे एक अगला सवाल ले, चलिए देखिए एक और सवाल है, ये सवाल बड़ा अच्छा है, आपने सवाल बोला है बड़ा अच्छा से कि सर बन जा गया है सवाल, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बना है, लेकिन थोड़ा सा अपना मेथड बताइए। देखिए मेरा एक सिंपल मेथड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है जिसका मेरा स्पेशल फंडा होता है, वो फंडा ये है कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए, सवाल आप पढ़ लीजिए पहले, कर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीआई वेल इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड 5 मंथली एंड द एसआई इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ दिस फॉर दिस फॉर दिस फॉर दिस फॉर दिस फॉर जो भी दिया हुआ है आपका, देखिए दिया हुआ है प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 12 पर 300, टाइम आपका दिया 1.14 इयर्स ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना आपका 12%। मैं जब सवाल करता हूँ सीआई का तो रेट को रेट लिखता हूँ, आर नहीं लिखता हूँ, क्योंकि आर मैं किसी और चीज को लिखता हूँ, अभी आपको दिखेगा जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको अभी दिखेगा क्या आर लिखता हूँ मैं। अब देखिए आपसे सवाल कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको हर एक 5 महीने पे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप बताइए कि 1.14 साल का मतलब क्या होता है, 1/4 ईयर्स मतलब कितने मंथ्स होते हैं, तो आप कहेंगे सर 3 मंथ यहाँ हो गया, 12 3 15 मंथ्स हो गया, मतलब अगर इतने समय के लिए अगर 5 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो कितने बार कैलकुलेट होगा सीआई इंटरेस्ट कितने बार कैलकुलेट होगा 3 बार, तो आपको पता चल गया कुछ नहीं, आपको इंटरेस्ट कितने बार कैलकुलेट करना है 3 times, सीआई कितने बार कैलकुलेट करना है 3 बार। अब एक बात बताइए, आप अगर 12% सालाना रेट लग रहा है, ये पर एनम दिया हुआ है, अगर 12% सालाना रेट लग रहा है तो एसआई में आप मंथली कैलकुलेट करें, ईयरली कैलकुलेट करें, हाफ ईयरली कैलकुलेट करें, एक दिन का कैलकुलेट हिसाब से कैलकुलेट करें, आपका इंटरेस्ट वही होने वाला है क्योंकि वो सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है, मतलब इसको आप अगर यहाँ 5 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तब भी उतना ही आने वाला है, और 1 महीने के हिसाब से करेंगे तो भी 12% करेंगे तो भी वही आने वाला है। तो सवाल क्या रह गया, सवाल ये रह गया कि अगर 5% के हिसाब से सीआई कैलकुलेट करेंगे तो 12% सालाना मतलब 1% महीना मतलब 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, एक बार जब कैलकुलेट किया जाएगा सीआई का तो 5% के हिसाब से रेट कैलकुलेट किया जाएगा। अब सवाल पूरा आपके पास ये रह गया सवाल कि अगर प्रिंसिपल आपका 12,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है ये 5% है, और ये टाइम ये लिख रहा हूँ टाइम पीरियड लिख रहा हूँ या टाइम्स लिख रहा हूँ, कितने बार रेट कैलकुलेट करेंगे आप, कितने बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 3 times आ गया। अब सवाल ये रह गया, इसको आप दूसरे तरीके से पढ़ें अपने भाषा में जो आसान होता है समझने में, तो कहेंगे सर 12,000 पे 5% के साथ से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। आपको मैंने बताया जब भी इस तरह का सवाल है 3 years का डिफरेंस की बात करें एसआईसीआई, तो आप रेट को 1/ फ्रैक्शन में लिखिए, तो 5% को 1/20 लिखेंगे, और इसी को मैं बोलता हूँ स्मॉल आर,
और जब सी आई माइनस एस आई तीन साल की बात करता हूं तो ये हमेशा आता है तीन थ्री आर प्लस वन कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। कब ये आता है जब प्रिंसिपल हम क्या लेते हैं आर क्यू, मतलब यहां प्रिंसिपल क्या हो गया 20 का क्यू। आपसे यही पूछ रहा था 61 की जगह पे क्या होगा क्योंकि आपको दे रखा प्रिंसिपल क्या है 20 क्यू मतलब 8000, मतलब बोल रहा है प्रिंसिपल अगर 8000 लेंगे तो सी आई माइनस एस आई कितना आएगा 61 आएगा। अगर प्रिंसिपल 8 की जगह इतना रहा, 8 की जगह कितना रहा 12000, तो ये कितना आएगा तो देख लीजिए इसका 1.5 टाइम्स है, डेढ़ गुना ये, तो इसका डेढ़ गुना करेंगे तो आधा करेंगे तो कितना जगह 35.5 का 3 गुना 90 91.5 रुपया। मतलब ये चीजें भंडा कर आपको समझ में आ जाता तो आप डायरेक्टली इसको बिना कलम कॉपी के क्वेश्चन को बना सकते थे। क्लियर है? आप देखिए इस वीडियो को, इसको द्वारा प्ले करके आपको मजा आएगा। ये जो सवाल मेरे सामने आ रहा है ये सवाल की मैं पहले कराया हूं डॉट वीडियो में, हमेशा इसीलिए बोलता हूं डॉट वीडियो ना आप देखिए, अपना वीडियो नहीं सबका वीडियो देखिए। सवाल कह रहा है राकेश यादव अपनी कार से दिल्ली से गोवा के लिए चलता है, दिल्ली से गोवा के लिए, ये दिल्ली है और ये गोवा, ऐसा सवाल दे रखा है। 75% डिस्टेंस कवर करने के बाद उसको ध्यान आता है कि हम तो बहुत स्लो चल रहे हैं तो उसने स्पीड अपनी बढ़ा दी, डबल कर दी। मतलब 75% डिस्टेंस चलने के बाद स्पीड क्या हो जाता है डबल हो जाता है और इसके कारण वो समय पर पहुंचता है। आगे सवाल कर रहा कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो 3 घंटे का लेट हो जाता उसको, तो आप बताइए कि अगर यहां पे स्पीड उसने 1 से चला होगा तो यहां 2 किससे चला होगा स्पीड, स्पीड का रेशियो आपको मिल गया। और यहां बद्वारा में क्या हो रहा है यहां से यहां पूरा 1 के स्पीड से चल रहा है, यहां भी 1 और यहां भी 1, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वाला जो डिस्टेंस है पहले 75% वाला इसमें कोई अंतर नहीं आया है, अंतर यहां यहां आया है, स्पीड पहले 2 था अब 1 हो गया, इसका मतलब टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम क्या हो जाएगा 1 से 2 हो गया है, कितना बढ़ा है 1 यूनिट जिसकी वैल्यू 3 आवर्स है, मतलब यहां 3 हो जाएगा और यहां 6 हो जाएगा, इसका मतलब पहले उसको यहां पे 3 घंटे लग रहे थे तो यहां पे 6 घंटे लग रहे हैं बाद में, तभी तो 3 घंटे ज्यादा हुआ। अब बताइए कि दूरी है कितनी, तो दूरी क्या होता है डिस्टेंस स्पीड गुना टाइम, तो इसका मतलब ये 6 यूनिट की दूरी थी जिसको चलने में, देखिएगा ध्यान से 6 यूनिट की दूरी थी जिसको चलने में उसे कितना समय लगा, तो 2 के स्पीड से 3 लगा और 1 के स्पीड से 6 लगा, समझिएगा बात को, 6 यूनिट की दूरी है लेकिन इसका तो 3 गुना ही दूरी है, देख लीजिए 25% या 75% मतलब ये 18 यूनिट की दूरी है, तो अगर 18 यूनिट की दूरी को 1 की स्पीड से चलेगा और इंजन स्पीड इसकी क्या है 1 है और इंजन क्या है 1 है, तो 1 की स्पीड से चलेगा तो कितना लगेगा समय 18/1 मतलब 18 आवर्स, क्योंकि समय हमारा आवर्स में आ चुका है तो सारा आवर्स बन गया। क्लियर है? इसमें जो ऑप्शंस आपके दिए हैं वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में देखिए क्या करें, क्वेश्चन में छोटा सा एक मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आप समझ जाइएगा। अभी सवाल कह रहा है कि श्री बल्लू 1 लाख रुपया के जनरेटर खरीदता है, 1 लाख रुपया का एक जनरेटर खरीदता है और उसके बाद क्या करता है उसको किराए पर लगाता है, मासिक किराए का 12.5% रख रखाव एवं मरम्मत के लिए अलग रखता है, 332 रुपये प्रति वर्ष कर चुकाता है और 5.5% निवेश में लगाता है। ये जो 5.5% जो 5.5% वो इन्वेस्ट करता है, यही थोड़ा सा मिस्टेक है। सवाल क्या कह रहा है कि जितना भी वो मंथली खर्च करता है 12.5% है, मैंने बोला भैया मंथली पेमेंट उसकी 100 रुपये की थी, मंथली पेमेंट मतलब जो लगा रहा था वो जो चार्ज पे लगा रहा था जो इसको मंथली मिल रहा था किराए के रूप में जनरेटर का वो 100 रुपये मैंने माना, तो साल में वो कितना मिलेगा उसको 1200 और साल में 1200 का 12.5% कहिए या मंथली का 12.5% कहिए वो एक ही बात होती है, तो इतना रुपया वो क्या कर रहा था रखने पे रखाव पे मैंने मेंटेनेंस पे खर्चा कर रहा था प्लस 325 रुपये वो टैक्स दे रहा था, कितना दे रहा था टैक्स 325 रुपया। अभी जो बोल रहा है ना क्या कि जो बचा हुआ पैसा है, जो बचा हुआ पैसा उसको वो क्या कर रहा था इन्वेस्ट कर रहा था और बचा हुआ पैसा जो है वो पूरे जनरेटर के प्राइस का 5.5% है। आप खुद देखिए अगर 1200 का इसको 12.5% को क्या बोलेंगे 1/8, इसका मतलब 7/8 बच रहा होगा, तो इसका 7/8 इसको बच रहा है, तो ये बचा हुआ पैसा है किस रख रखाव के बाद, इस उसके बाद भी इसमें से बेचारा वो निकाल लेता है 325 रुपये और टैक्स पे कर देता है। अब उसके पास इतना ही बचा और बोल रहा है जो बचा वो 5.5% है 1 लाख रुपये का जनरेटर के प्राइस का, ही सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है इसको करेक्ट कीजिएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट कितना था, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, हमने मंथली इंस्टॉलमेंट कितना माना है 100 माना है, इसमें से आपको ध्यान देना ये रुपया में है
ये रुपया में, ये रुपया में, ये यूनिट में हमने 100 यूनिट माना तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक बात बताए, इसको अगर गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5500 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का 2 जीरो कैंसिल आउट होगा और डेसिमल का 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और इसमें से 3 to 5 अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5825। इतना रुपया वो जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है। तो आपसे 100 यूनिट की वैल्यू पूछिए, तो आप देखिए यहीं पे 100 यूनिट की वैल्यू निकालिए, 5825 मैंने लिख दिया, 8 से गुना कर देंगे, 7 से भागा दे देंगे, 12 से भागा दे देंगे, 8 को हटा दिया, 7 को हटा दिया, 12 को हटा दिया, बचा क्या 100। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट आने वाला 554.76। इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, छोटा सा एक मिस्टेक था। और इसी के साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आऊंगा आपके दिए हुए सवाल, और जो सवाल इस वीडियो में छूट गया है जिसमें कुछ मिस्टेक वगैरह थे सवाल में कुछ में, वो वीडियो में नहीं मैं डाल पाया हूँ, वो उसका मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, मतलब बनाकर फोटो खींच के, ठीक है। तो आप वीडियो को देखिए, क्वेश्चन भेजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।